हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं खास ब्यूटी टिप्स। खास ब्यूटी टिप्स में आज हम खादी हर्बल मेहंदी का रिव्यू करेंगे। आज मैं आपके सामने खादी हर्बल मेहंदी का कंप्लीट रिव्यू करने वाली हूँ। जैसे हमारे बाल ग्रे होने शुरू होते हैं, हमारे ये कोशिश रहती है कि हमें कोई ऐसा डाई मिल जाए जो हमारे बालों को डैमेज ना करे, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया हो और जो कंप्लीट रूप से हमें ग्रे हेयर कवरेज दे। तो ये हमारे पास ऐसी ही खादी हर्बल मेहंदी है जिसमें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है और यह हमारे हेयर को डैमेज नहीं होने देती है। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है जिससे कि हमें ग्रे हेयर कवरेज मिले, और किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी स्किन पर यह बिल्कुल भी ना लगे। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमें वैसिन का यूज़ करना है। वैसिन का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि अगर हम हेयर लाइन के चारों तरफ इसका इस्तेमाल करते हैं कोई भी हेयर डाई लगाने से पहले, तो ये हमारे स्किन पर हेयर कलर को नहीं आने देता है। तो इसलिए हमने हेयर लाइन के चारों तरफ, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, वैसलीन का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की चिपचिपी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी हर्बल मेहंदी जो कि खादी की है। खादी का ट्रेडमार्क इस पर है और ये बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है वो है मेहंदी लीव्स, नीम लीव्स, आंवला, ब्रह्मी, भिंगराग, तुलसी, शिकाकाय, मेथी सीड्स और जामुन गुलाठी। इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसको यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है और मिक्स करने के बाद बहुत जल्दी, इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर अप्लाई कर लेना है। ये मैंने मार्केट से 70 रुपीज़ की परचेज़ की है, तो ये बहुत महंगी भी नहीं आती है दोस्तों, सिर्फ 70 रुपये की आई है। और ये देखिए, इस पर ट्रेडमार्क भी है और ये हर्बल मेहंदी है। हमें ग्लव्स चाहिए, हमें बाउल चाहिए, एक स्पून चाहिए, सीज़र चाहिए और हमें ब्रश चाहिए जिससे कि हम मेहंदी का इस्तेमाल कर सकें। तो हमें साथ में पानी चाहिए जिससे कि हम इसको मिक्स कर सकें। किसी और चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल पानी से हम इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पैकिंग ओपन कर देती हूँ। और ये जो हमारी मेहंदी है ये इस प्रकार से पाउच में आई है। ये 3 पाउच हैं दोस्तों, ये देखिए 1, 2 और ये 3। 3 पाउच इस मेहंदी में आए हैं, सिर्फ 70 रुपये में मैंने परचेज़ की है। और ये शैम्पू भी फ्री में मेरे पास, छोटा सा सैशे शैम्पू का भी इसमें आया है। तो इसको हम अप्लाई करने के लिए इसको कट करेंगे। और एक सलाह मैं आपको दोस्तों देना चाहती हूँ, ये जो 1 पाउच आपने खोल के यूज़ करना है उसमें से थोड़ा सा नीचे बचा लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपके ग्रे हेयर होंगे, रूट से ग्रे हमारे जल्दी हो जाते हैं क्योंकि बार बार हम हेयर माउथ वॉश करते हैं, तो जो फेस वॉश करते हैं तो थोड़ा बहुत बार बार पानी लगने से या फिर फेस वॉश लगने से हमारे बाल जो रूट से हैं वो थोड़े थोड़े ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। तो जो थोड़ा सा पाउच में हम बचाएंगे वो हम उसमें अप्लाई कर लेंगे जब भी हमें लगेगा कि हमारे थोड़े से रूट से ज़्यादा ग्रे हो गए हैं जो हमारे फ्रंट साइड में है। इसका ये फ़ायदा होगा कि 1 पाउच आपका 1 महीने तक चल जाएगा। अब मेरे को 25 दिन हो गए और मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ी है, तो हमें इसको पानी से मिक्स कर लेना दोस्तों। ये देखिए, अब सिंपल पानी से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है जिससे कि हम आसानी से इसको बालों में अप्लाई कर पाएँ। तो ये हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, थोड़ा सा पाउच में मैंने बचा लिया इसको, आप भी इसको बचा लें जिससे कि जब भी हमें लगे कि थोड़े से रूट आगे आगे से बाल हैं, जो आगे के रूट्स हैं वो थोड़े से ग्रे हो गए हैं, उसको अप्लाई कर लेंगे और हमारा ये 1 महीने तक चलेगा। इस तरह से जो एक बार ये मेहंदी हमने परचेस की है वो हमारे 3 से 4 महीने आसानी से चल जाती है। तो ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं अप्लाई करने से पहले जिससे कि मेरे हाथों पर कलर ना आ पाए, और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो आप भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको रूट से लगाना शुरू करेंगे, रूट से लेकर टिप तक मेहंदी को हम अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों मेहंदी को जिस तरह से भी आप चाहे अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद, अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें एक बन बना लेना है, और बन बनाने से पहले हमें इस तरह से मसाज करनी है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, हेयर की मसाज कर लेनी है। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस कोई ऐसा बाल, ऐसी रूट हमारी रह गई है जिसमें कि हम मेहंदी नहीं लगा पाए हैं, तो वो भी सारे कवर हो जाती है। हमने बन बना लिया, और बची हुई मेहंदी मैं जरा बन पर लगा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मेहंदी हम नहीं देख पाते कि कहाँ से रह गई है, कहाँ से हमें बालों में लगानी है, तो मसाज करना इसलिए बेटर विकल्प है। और अब मैंने ये बची हुई मेहंदी बन पर लगा ली है ताकि टिप पे भी आसानी से लगा सकूँ। तो जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप भी मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। हमें आधे घंटे तक ऐसे लगा रहने देना है, उसके बाद हमें हेयर वॉश कर लेने हैं। और अब देखिए रिजल्ट,
मुझे इसने फुल ग्रे हेयर कवरेज दी है, मेरा कोई भी बाल वाइट नहीं बचा है और साथ साथ बालों में शाइन भी आ गई है जो इसके साथ मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया है उससे। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।